Hello, students. Today we are going to find out the area of general and spatial quadrilateral, and this is related to chapter number 11, mensuration, class 8, Maths. So, how to find the area of general quadrilateral? First of all, uh, let's make one general quadrilateral. Any quadrilateral you make of any dimensions, any length, any breadth. So, I have made one quadrilateral.

एंड दिस विल बी द हाइट फॉर दिस ट्राएंगल इस ट्राइंगल के लिए हाइट होगी एंड गिव दिस ने परुलर और ड्रॉप कर दिया हमने एंड दिस इज कम टू नोन एस एच टू लेट एस गिव दिस नेम एच टू ना लेट्स फाइंड दिस जनरल क्वार एरिया ऑफ जनरल क्वाडिलेटर एरिया ऑफ ए जनरल क्वार का एरिया हम निकाल देते नाउ दिस क्वारिलेटर ऑफ टू ट्राइंगल्स मीन कौन कौन सा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी एक तो है एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दो एरिया से मिलकर बना हुआ है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एडीसी अब का बेस क्या? क्या है और उसके ऊपर हाइट ऊपर वाली एच वन है अगेन बेस इज सेम एसी और इस बार हाइट इसके चेंज हो गई अगर ट्राइंगल एबीसी ले रहे हैं तो इसकी हाइट हमें लेनी पड़ेगी एच टू नाउ कॉमन इफ यू सी केयरफुली वट इज कॉमन हाफ ए सी इज कॉमन टू बोथ हाफ ए दोनों में कॉमन आ रहा है Half AC here also, half AC here also. So let's take common half into AC. So what left inside? H1 plus H2. Now we can give this AC as diagonal. This is one of the diagonal. So we can give the name diagonal D. So we can write in general half into D into H1 plus H2. एच वन प्लस एच टू सो दिस इज द एरिया ऑफ क्वार जनरल नाउ विद स्टडी अबाउट एरिया ऑफ स्पेशल हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ स्पेशल सिंपल क्वारल मीन्स कोई साइड को, इक्वल नहीं है कुछ भी पैरल नहीं है देन इट इज अनरल क्वारल अब हम स्पेशल क्वारल का निकालते हैं सो वी है

लेट्स ज्वाइन दिस डायगे फर्स्ट मन ए सी लेट्स जॉइन ये हमने डायगेल ज्वाइन कर दिया ए सी एंड ज्वाइन बी डी ऑल्सो नाउ वी नो इन रॉम्बर्स डायगेल्स बाई सेक्ट इच अदर एट नाइंटी दिस इज नाइंटी दिस इज नाइंटी दिस इज नाइंटी सो दिस इज ओ दस गिव दिस नेम ओ नाउ लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ दिस रोमबस एरिया ऑफ रोमबस नाउ अगेन इफ यू टेक एनी वन डायगनल देन यू कैन राइट एरिया रोम्बस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एक तो ले लेते हैं ए बी सी और एक ले लेते हैं ऊपर वाला एडीसी एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी ये दो ट्राइंगल ए बी सी ले लिया है एक हमने लिया ए बी सी ये वाला ट्राइंगल और वन वी टेकन ट्राइंगल एंड देल वी हैट इज बेस फॉर ए बी सी का बेस क्या हुआ ए सी और हाइट कितनी हुई ओ बी क्यों क्योंकि नाइनटी डिग्री पे परपेंडिकुलर है तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है तो इसके लिए हाइट हो जाएगी इस ट्राइंगल की तो हाइट क्या हो गई इसकी ओ बी इसी तरह से ए डी सी का एरिया निकालते हैं बेस कितना है ए सी ही रहेगा और हाइट कितनी हो गई ओडी हाइट हो गई हमारी ओ डी नाउ आफ्टर दिस लेट्स टेक कॉमन व्हाट इज कॉमन इफ यू इफ ए सी इज कॉमन बोथ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हाफ ए सी कॉमन आ रहा है सो लेट्स टेक हाफ ए सी कॉमन

Of Diagnals. Diagnals का प्रोडक्ट भी हो रहा है एरियालोग्राम तो और और भी हो सकता है तो एक और एरिया है जस्ट लाइक वी आर स्टडी क्लास सेवन तो एरिया एक और हो सकता है अगर बेस दे रखा है और डायग्नस ही गिवन है तो so, हम एरिया फॉर्म uh, लगाएंगे बेस मल्टीप्लाई विथ हाइट जस्ट पैरेलोग्राम का एरिया जो हमने क्लास टेन में पढ़ा था सो आई होप यू हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ़ स्पेशल एंड जनरल क्वार्टिलेटर सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।